हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। एम सभी का केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपना चैप्टर चला था डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो उसका हो गया था कल अपने परमाणु आकार और आयनिक ऊर्जा पॉइंट हो गए थे। आज का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। नंबर चार पॉइंट अपना ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीडेशन स्टेट तो बात करते हैं तो डी ब्लॉक के तत्व उसका सबसे महत्व और इंपॉर्टेंट गुण होता है वो होता है कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करना। परिवर्तनशील अवस्था ये प्रदर्शित करते हैं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है? उसका मेन कारण आप पढ़ते हैं 3D एक होता है फोरेस, 3D और फोरेस, 3D और फोरेस जो कक्षक होते हैं इनकी ऊर्जाओं के मान में अंतर कम होता है। ठीक है, इनकी ऊर्जाओं में के मान में अंतर कम होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण 3D और 4s दोनों में आसानी हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के लिए वजह 3D और 4s दोनों कक्षों के इलेक्ट्रॉन का योगदान होता है, इसकी वजह से यह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं? तो जन एक टेबल सी बनाते हैं, उसमें अपन देखते हैं कौन से तत्व कौन कौन से ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है और उनमें भी इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होगी। ठीक है, इधर लेते हैं अपन तत्व, फिर देखते हैं 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सिंबल अपना इलेक्ट्रॉन की संख्या, 4s कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमीन, Mn, Fe, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। 3D में क्या था? एक टाइटेनियम कितने थे? दो, वेनेडियम में 3D 3, क्रोमियम में 3D 5, अर्धद्विवाहक पूर्ण द्विवाहक कक्षीय स्थायित्व के नियम से। Mn में 3D में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5, इसमें 6, 7, 8, इसमें 10 और जिंक में 10। ठीक है, 4s में स्कैंडियम कितने थे? 2, टाइटेनियम में 2, वेनेडियम 2, क्रोमियम में 1, Mn में 2, Fe में 2, कोबाल्ट में 2, निकिल में 2, कॉपर में 1 और जिंक में 2। ठीक, इस पर डिपेंड करती है कि ऑक्सीकरण अवस्था। चलिए अब देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक, तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉन हटाएगा तो डी में कितना बचेगा अपना? 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 3D1। परंतु जैसे ही एस के 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो डी का 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो स्कैंडियम क्या करता है? डी के 1 इलेक्ट्रॉन को हटाकर भी आर्गन जैसा अतिरिक्त स्थायी विन्यास, आर्गन 18 उत्कृष्ट स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। इसलिए एस के 2 हटाने के साथ साथ डी के भी 1 इलेक्ट्रॉन हटाता है, यह ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है +3। कौन सी प्रदर्शित करता है? +3, और यही इसकी होती है स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था। टाइटेनियम में देखिए एस के 2 को हटाएगा तो कौन सी करेगा? +2। ठीक है, बच गए डी में 2 इलेक्ट्रॉन, तो डी का 1 को हटाकर कौन सी करेगा? +3। एक बटा दूसरे को हटाएगा तो और ज्यादा स्थायी विन्यास हो जाएगा, आर्गन उत्कृष्ट गैस जैसा स्थायी विन्यास हो जाएगा, और कौन सी करेगा? +4।
तो प्लस दो तो एस की, एक डी को हटा के प्लस तीन और दूसरे डी को हटा के प्लस चार, और यही इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, यानी जो ब्रेक में है ये इसकी रहेगी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, वैनेडियम में एस को दो को हटाकर प्लस टू, डी के एक को हटाकर प्लस तीन, दूसरे को हटाकर प्लस चार और तीसरे को हटाकर प्लस पांच प्रदर्शित करता है। इसकी स्थायी की बात करें तो प्लस टू या प्लस फाइव।